भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा दूसरा टी20 मुकाबला भले ही श्रीलंकाई टीम की फिलहाल पकड़ में नजर आ रहा हो, लेकिन अभी भी भारत की गेंदबाजी बहुत मजबूत है। आपको बता दें कि इस पूरे मुकाबले में अभी तक टीम इंडिया जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आज कमजोर बल्लेबाजी साफ दिखी भारत के खेमों में, खलबली जरूर दिखी, थोड़ा सा मुश्किलात जरूर दिखे भारतीय टीम की अगर बात की जाए। लेकिन आज संजू सैमसन का डिसमिसल जो है वो भारत के लिए बड़ा चिंता का सबब बना है। जी, आपको बता दें कि संजू सैमसन के रूप में भारत को चौथा झटका लगा था जब भारत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था और भारत को एक्सीलरेट करने की जरूरत थी, लेकिन पूरे तरीके से मैदान पर संजू सैमसन जो है अखिला धनंजय की गेंद पर हैरान रह गए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि संजू सैमसन 17 ओवर की चौथी गेंद पर अखिला धनंजय की गेंद पर आगे बढ़ के छक्का मारना चाह रहे थे क्योंकि स्लो बैटिंग कर रहे थे। अब भाई लंबी हिट की जरूरत तो उनको थी, लेकिन लंबी हिट वो लगा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर भारत को इसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। संजू सैमसन काफ़ी स्लो खेले जबकि आज वक्त की डिमांड थी, अपने आप को वो साबित कर सकते थे, उनके पास मौका था एक अलग तरीके की बल्लेबाजी करने का, लेकिन वो उस बल्लेबाजी पर पूरे तरीके से खरे नहीं उतरे जिसका खामियाजा यहाँ पर भारतीय टीम को भुगतना पड़ा है। बड़ी बात यह है कि भारत को अब यहाँ पर अगर इस मुकाबले को जीतना है तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स गेंदबाजी करनी होगी, पिच जरूर स्लो है। संजू सैमसन का जो डिसमिसल है वो हैरत भरा है क्योंकि जैसे अखिला धनंजय ने गेंद डाली, संजू सैमसन गेंद को बीट कर गए, थोड़ा पीछे चले जाते तो शायद बच जाते, लेकिन विकेटकीपर विनोद भानुका ने कोई गलती नहीं की और उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा भारतीय टीम के इस धाकड़ बल्लेबाज को कर दिया आउट, जिसकी वजह से भारतीय टीम फिलहाल पूरे तरीके से स्ट्रगल करती हुई अभी तक नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से मुकाबले को अप्रोच करती है, भारतीय टीम किस तरीके से मैच में आगे जाती है क्योंकि टीम इंडिया को इसका खासा खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ा है। बड़ी बात यह है कि आज भले ही युवा खिलाड़ियों का डेब्यू है, अब उनका जज्बा भारत की गेंदबाजी में भी देखने लायक है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।